गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन हिंदी क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद अ साइलेंट प्रेयर। बिफोर एंटरिंग टू आवर नेक्स्ट सेशन, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। Hope all of you have studied the first 8 lines of the poem. You have to write and study the first 4 lines of the poem. So let's revise. Suraj ek, chand bhi ek, nab bhi hum sab ka ek, dharti hum sab ki ek, is par rehte hum sab anek. Kisne in sab ko banaya, kisne phoolon ko mahkaya, kisne chidiyon ko chahkaya, किसने वृक्षों को दी छाया। द पोएट इज सेइंग देयर इज अ सन, ए मून, ए स्काई एंड एन अर्थ इन विच वी ऑल आर लिविंग टुगेदर। मेनी पीपल आर लिविंग टुगेदर इन दिस अर्थ। देन द पोएट इज आस्किंग हु मेड ऑल दीज थिंग्स, हु गेव स्वीट फ्रैग्रेंस टू द फ्लावर्स, हु गेव चिरपिंग साउंड टू द बर्ड्स, हु गेव शेड्स टू द ट्रीज। Now let's enter to the next stanza. Again the poet is asking, किसने दी वृद्धि को खुशहाली, किसने दी बागों को हरियाली, किसने दी फूलों को लाली, किसने दी खेतों को हरियाली। The poet is again asking, who made all these things, who gave all these things to us, किसने दी वृद्धि को खुशहाली, who gave happiness to this nature, किसने दी बागों को हरियाली, who gave greenery to these gardens, किसने दी फूलों को लाली, who gave redness to these flowers, किसने दी खेतों को हरियाली, who gave greenery to these fields, किसने दी प्रकृति को खुशहाली। What is prakriti? Nature, N-A-T-U-R-E, nature, prakriti, nature, N-A-T-U-R-E, nature, किसने दी प्रकृति को खुशहाली। What is khushhali? Happiness, H-A-P-P-I-N-E-S-S, happiness, khushhali, happiness, H-A-P-P-I-N-E-S-S, happiness, किसने दी बागों को हरियाली। What is बागों? Gardens, G-A-R-D-E-N-S, gardens, किसने दी फूलों को लाली। What is लाली? That you know, redness, R-E-D-N-E-S-S, redness, फूलों, flowers, किसने दी फूलों को लाली, लाली, redness, किसने दी खेतों को हरियाली। What is खेतों? Fields, F-I-E-L-D-S, fields, किसने दी प्रकृति को खुशहाली, who gave happiness to this nature, किसने दी बागों को हरियाली, who gave greenery to this gardens, किसने दी फूलों को लाली, who gave redness to these flowers, किसने दी खेतों को हरियाली, who gave greenery to these fields। Let's enter to the next stanza. जिसने दी ये सारी चीजें, the one who had made all these things, जिसने दी ये सारी चीजें, उस प्रभु के हम गुणगाएं, मन को रखे सदा ही शीतल, जग की सेवा करते जाए। जिसने दी ये सारी चीजें, द वन हु हैड मेड ऑल दीज थिंग्स, उस प्रभु के हम गुणगाए। वी हैव टू प्रेज दैट ऑलमाइटी गॉड, वी हैव टू प्रे और प्रेज दैट ऑलमाइटी गॉड हु हैड गिवन अस ऑल दीज थिंग्स। मन को रखे सदा ही शीतल, वी हैव टू कीप अवर माइंड ऑलवेज कूल, वी हैव टू कीप अवर माइंड ऑलवेज कूल, जग की सेवा करती जाए। वी हैव टू डू सर्विस टू अवर वर्ल्ड, कीपिंग अवर माइंड कूल, वी हैव टू डू सर्विस टू अवर वर्ल्ड।
किस जिसने दी ये सारी चीजें, द वन हू हैड मेड ऑल दीस थिंग्स, उस प्रभु के हम गुण गाएं, वी हैव टू प्रेज दैट ऑलमाइटी गॉड। मन को रखे सदा ही श्रीधर, वी हैव टू कीप अवर माइंड ऑलवेज फुल, देन जग की सेवा करते जाए, वी हैव टू डू सर्विस टू अवर वर्ल्ड। What the poet is saying in these lines, we have to pray that Almighty God, the one who had made all these things, we have to pray that Almighty God by keeping our mind cool and doing good deeds. What the poet is saying, जिसने दी ये सारी चीजें, उस प्रभु के हम गुण गाएं, the one who had made all these things, or one who had given us all these things, we have to praise that great God. How? By keeping our mind cool and doing good deeds. Man ko rakhem sada hi shidal, jag ki seva karte jayen. Jisne diye sari cheezen, what is sari? All. A-L-L, all. Jisne diye sari cheezen, what is cheezen? Things. THINGS, things. उस प्रभु के हम गुण गाएं, what is प्रभु? God, G-O-D, God. उस प्रभु के हम गुण गाएं means praise, P-R-A-I-S-E, praise. मन को रखें सदा ही शीतल, मन means mind, M-I-N-D, mind. मन को रखें सदा ही शीतल, सदा always, A-L-W-A-Y-S, always. मन को रखें सदा ही शीतल, what is शीतल? Cool, C-O-O-L, cool. जग की सेवा करते जाएं, what is जग? World, W-O-R-L-D, world. सेवा, service. S-E-R-V-I-C-E, service. Now let's revise. किसने दी प्रकृति को खुशहाली, किसने दी बागों को हरियाली, किसने दी फूलों को लाली, किसने दी खेतों को हरियाली, जिसने दी ये सारी चीजें, उस प्रभु के हम गुण गाएं, मन को रखे सदा ही शीतल, जग की सेवा करते जाएं। किसने दी प्रकृति को खुशहाली, who gave happiness to this nature, किसने दी बागों को हरियाली, who gave greenery to this gardens, किसने दी फूलों को लाली, who gave redness to this flowers, किसने दी खेतों को हरियाली, who gave greenery to this fields, जिसने दी ये सारी चीजें, उस प्रभु के हम गुण गाएं, the one who had given us all these things, we have to praise that great God. मन को रखें सदा ही शीतल, जग की सेवा करते जाएं, by keeping our mind always cool, we have to praise that almighty God by doing good deeds. Children, what is the value we are getting from this poem? To be polite, thankful and broad-minded towards the Almighty God. We have to bow our head and pray to God before beginning any work. किसी भी कार्य करने से पहले हमें सिर झुकाकर सृष्टिकर्ता को प्रणाम करना चाहिए. Children, now let's study शब्दार्थ. शब्दार्थ means word meaning. सूरज सन, अनेक मिनी, जग बर्ड, नभ स्काई, वृक्ष ट्रीज, सेवा सर्विस, धरती एप, प्रकृति नेचर. सूरज सन, एस यू एन सन, अनेक मिनी, एम ए एन वाई मिनी, जग बर्ड, डब्ल्यू ओ आर एल डी बर्ड, नभ स्काई, एस के वाई स्काई, वृक्ष ट्रीज, टी आर ई एस ट्रीज,
सेवा सर्विस S E R V I C E सर्विस धरती एर्थ E A R T H एर्थ प्रकृति नेचर N A T U R E नेचर नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द मीन्स वर्ड्स विद सेम मीनिंग नभ आकाश बोथ मीन्स स्काई चांद चंद्रमा मून वृक्ष पेड़ ट्रीज अनेक कई मेनी जग संसार बोथ मीन्स वर्ल्ड प्रभु भगवान बोथ मीन्स गॉड नभ आकाश चांद चंद्रमा वृक्ष पेड़ अनेक कई जग संसार प्रभु भगवान नेक्स्ट इज विलोम शब्द मीन्स वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग धरती आकाश धरती मीन्स अर्थ आकाश मीन्स स्काई धरती आकाश फूल कांटा फूल मीन्स फ्लावर कांटा मीन्स थॉर्न शीतल शीतल मीन्स कूल ऑपोजिट इज उष्ण उष्ण मीन्स हॉट धरती आकाश फूल कांटा शीतल उष्ण चिल्ड्रन यू हैव टू कॉपी दिस इनटू योर नोटबुक एंड राइट एंड स्टडी इन योर रफ बुक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर क्लास आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास That's all for today. Thank you. Have a nice day.